नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 25 नवंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में निकलेगी बंपर वैकेंसी। अगले साल तक बिहार में शिक्षा से लेकर 6 विभागों में 1,53,887 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बाबत शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही ट्विटर पर सभी पदों का ब्यौरा दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अकेले शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राथमिक शिक्षकों के खाली 1,08,401 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 1,600 विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग में 8,770, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 5,900, स्वास्थ्य विभाग में 16,500 और गृह विभाग में 12,716 पदों पर बहाली की जाएगी। शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा को गिरिहिंडा पहाड़ के रूप में प्रकृति का अमूल्य वरदान मिला है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है, जिसे बाबा कामेश्वर नाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेढ़ी मेढ़ी नदियों के उजले रेत, बगीचे एवं उपवनों की झुरमुटे तथा लहलहाते खेत अत्यंत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु इसके चोटी पर बाल उद्यान, कैंटीन, फव्वारा, हाई मास्ट लाइट तथा इसकी चोटी पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचने हेतु 2200 फीट लंबे पक्के सड़क का भी निर्माण करवाया गया है। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली सीट पर 26 नवंबर से होगा नामांकन। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली पड़ी थी, जिसके बाद अब इस सीट को भरने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में इस सीट को भरने के लिए 26 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में नामांकन करवाया जाएगा। इसके लिए मतदान 14 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। इसी चुनाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल को निर्वाची पदाधिकारी एवं बिहार विधानसभा के निदेशक भूदेव रॉय को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है। बिहार में स्कूल खोलने से पहले सभी छात्रों का कोरोना जांच हुआ अनिवार्य। बिहार में स्कूल खोलने से पहले बोर्ड की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सीबीएसई और सीआईएससीई ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत यह साफ हो गया है कि स्कूल खोलने से पहले सभी छात्रों को कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव होने का प्रमाण सौंपना होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही छात्रों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर इस दौरान किसी छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के बाद ही उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 653 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,31,697 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 194 नए मामले सामने आए हैं, वहीं बेगूसराय में 38 मामले सामने आए हैं। पटना में 25 से लेकर 28 तक होगी बीपीएससी की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन आज से शुरू होने वाला है, जिसके तहत 25, 26 और 28 नवंबर को पटना के 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। यही परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा होगी 102 केंद्रों पर। बिहार पुलिस में दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 29 नवंबर को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका आयोजन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा करवाया जा रहा है। राज्य के 12 जिलों में इसके लिए 102 परीक्षा केंद्र का निर्माण भी करवा दिया गया है, जिसके बाद परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में करवाया जाएगा। बिहार पुलिस एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2,446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। पिछले साल इसका विज्ञापन निकाला गया था। दिसंबर में संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम 28 जनवरी को जारी किया गया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। ज्योतिरेश्वर ठाकुर एक मैथिली कवि और प्रारंभिक मैथिली और सांस्कृतिक लेखक थे, जिन्हें मैथिली में उनके विश्वकोशीय कार्य वरुण रत्ना
नाटककर के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही उनका प्रमुख संस्कृत नाटक 1320 में आया था, जिसमें धृता समागम, द मीटिंग ऑफ द नेल्स एक दो कार्य कॉमेडी के भी है। इसके साथ ही ज्योतिरीश्वर ठाकुर को उनके कामों के लिए कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल में 10वीं पास के लिए भर्ती करने वालों को मिला सुनहरा मौका। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वीं पास पुरुष अभ्यर्थियों से कुक और स्टीवर्ड पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में 18 से 22 वर्ष वाले युवा आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें 10वीं की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त हुए हो। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को पे ग्रेड 3 से 47,600 रुपए प्रतिमाह तक मिलेंगे। आवेदन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर से शुरू होगी, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेंगे। कुल रिक्तियों की संख्या 50 है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भिड़ेंगे विजय सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा, जहां पर महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा ने अपने उम्मीदवार विजय सिन्हा को मैदान में उतारा है, जिसके बाद आज इन दोनों के बीच में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि पहले निर्विरोध विजय सिन्हा के चुने जाने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर राजद ने ऐन मौके पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दिया, जिसके बाद राजद नेता भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन को जीत मिलने की उम्मीद जताई है। पटना नगर निगम का सरकारी भवनों पर 40 करोड़ बकाया। पटना नगर निगम का सरकारी भवनों पर लगभग 40 करोड़ बकाया है। बकाया टैक्स वसूल करने के लिए निगम की तरफ से बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस भेजने के बाद भी सरकारी भवनों की ओर से बकाया टैक्स जमा करने में आनाकानी की जा रही है। निगम इस मामले में थक चुका है। निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकारी भवनों पर बकाया टैक्स वसूली करने के लिए निगम की ओर से बार बार नोटिस देने का प्रावधान है। सरकारी भवन पर कार्रवाई का प्रावधान नगर विकास और आवास विभाग को करना होता है। इसके साथ ही निगम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आवासीय और कमर्शियल भवनों पर बकाया टैक्स वसूल नहीं होने पर निगम की ओर से सीधे कार्रवाई करने का प्रावधान है। बिना मास्क के निकलने वालों की अब खैर नहीं, बगैर मास्क के निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसके बाद अब सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 से 15 दिनों तक सतर्क रहने का आदेश जारी किया है। साथ ही राजधानी पटना में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सख्ती बनाए रखने के लिए मास्क जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों से राशि वसूली की जा रही है। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य मार्च से होगा शुरू। बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव के निर्माण का टेंडर निकालने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इतना ही नहीं, टेंडर निकालने का काम अब अपने अंतिम चरण में भी पहुंच गया है, जिसके बाद अगले महीने के पहले सप्ताह में ही टेंडर निकालने का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद महीने के अंत तक एजेंसी का चयन भी किया जाएगा। साथ ही चयन कर उसे काम भी सौंप दिया जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुरूप ही काम का आवंटन 3 महीने के अंदर करते हुए निर्माण कार्य को शुरू करवाना होगा। पटना पुस्तक मेला पर लगा ग्रहण। कोरोना का ग्रहण अब पटना पुस्तक मेला पर भी देखने को मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार पुस्तक मेला का इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, मगर अब लोगों को निराशा हाथ लगी है। कोरोना के माहौल को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। इस बाबत सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट ने ऐलान कर दिया है, यानी कि अब पुस्तक प्रेमियों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, 1985 में काफी छोटे स्तर पर पुस्तक मेला के आयोजन की शुरुआत हुई थी। बिहार से मुंबई के लिए शुरू होगी एक नई फ्लाइट। बिहार से मुंबई हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साथ ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने मुंबई पटना मुंबई के लिए नए विमान के परिचालन का फैसला लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 2 दिसंबर से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 102 विमान उड़ान भरने लगेंगे। बिहार में काबा वाली नेहा के नए गाने पर शुरू हुआ विवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में काबा गाने के कारण सुर्खियों में आई यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर का नया गाना विवादों का कारण बन गया है। नेहा के इस नए गाने में ऐतिहासिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में नेहा की तरफ से गाए गए गाने का नाम लयके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लड़ी है छात्र संघ के इलेक्शन अपने सोशल साइट पर अपलोड किया है, जिसमें मुख्य रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संस्कृति को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद नेहा के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि आपको इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों बात बात पर आहत हो जाते हैं।
3 दिसंबर से शुरू होगी भाजपा की धन्यवाद यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद और खासकर के भाजपा के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भाजपा काफी ज्यादा उत्साहित है और इसके साथ ही भाजपा अब वोटर्स का धन्यवाद करने के लिए 3 दिसंबर से धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करने वाली है जो कि 25 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने धन्यवाद यात्रा को लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की है जिसके बाद सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा करने का आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कोरोना वैक्सीन और संक्रमण से बचाव के लिए बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़े थे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कोरोना की वर्तमान परिस्थिति पर बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रस्तुतीकरण में कोरोना वैक्सीन से संबंधित बातों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरतते हुए काम कर रही है। वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से सारी तैयारियां की जा रही है। स्नैपचैट का स्पॉटलाइट फीचर हुआ लॉन्च। स्नैपचैट का नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च हो गया है जिसकी मदद से अब सभी यूजर शॉर्ट वीडियो बना सकेंगे और उसे स्नैपचैट ऐप पर शेयर कर पाएंगे। स्नैपचैट का नया ऐप बाइट डांस ओन्ड टिकटॉक और इंस्टाग्राम के रील्स फीचर की टक्कर में लॉन्च किया गया है। स्पॉटलाइट फीचर की मदद से यूजर सीधे शॉर्ट वीडियो को शेयर कर पाएंगे, साथ ही पहले के मुकाबले ज्यादा फॉलोअर इकट्ठा कर पाएंगे। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी तरफ से रोजाना साल 2020 के अंत तक करीब 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सुशांत की बहन ने लिखा इमोशनल लेटर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए महीने बीत गए हैं, हालांकि उनके परिवार वालों का गम अभी भी वैसा का वैसा ही है। आए दिन सुशांत की बहन सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत को याद करते हुए पोस्ट डालती रहती है। इसी क्रम में सुशांत की बहन ने एक बार फिर से एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने साथ देने वालों के नाम पोस्ट जारी किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरी हूं और अभी भी गुजर रही हूं। जब मुझे लगता है कि अब मैं एक सामान्य और रेगुलर जिंदगी जी सकती हूं, तभी कोई और नया दर्द उभर आता है। जख्म आसानी से नहीं भरते और इसके लिए आपको सब्र चाहिए होता है। यदि मैं अपने जख्मों को कुरेदती रहूंगी और देखूंगी कि क्या वे भर गए हैं, तो इससे हालात और बुरे ही होने वाले हैं। प्रेग्नेंट अनुष्का के काम पर वापस लौटी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। दुबई से लौटने के बाद अब अनुष्का अपने काम पर लौट गई हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ ब्रांड्स के साथ शूट करना भी शुरू कर दिया है। वहीं अनुष्का के काम पर लौटने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। हाल ही में अनुष्का की एक तस्वीर काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस तस्वीर में अनुष्का वाइट ड्रेस में नजर आ रही है, साथ ही अनुष्का ने मास्क भी पहना हुआ है। इस ड्रेस में अनुष्का का बेबी बम्प भी नजर आ रहा है। स्टीव स्मिथ ने रोहित और विराट की कमी पूरी करने वाले बल्लेबाज का बताया नाम। भारत इन दिनों अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 27 नवंबर से होने वाला है, जिसके बाद यह दोनों टीम 4 टेस्ट मैच के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। हालांकि इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है, जिसको लेकर स्टीव स्मिथ ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रोहित और विराट की गैर मौजूदगी से काफी बड़ा अंतर पैदा होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही माना है टीम इंडिया के पास काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है जो दबाव की स्थिति में जिम्मेदारी निभा सकते हैं। स्मिथ ने मयंक अग्रवाल और लोकेश राहुल के नाम लिए हैं जो आईपीएल के दौरान शानदार फॉर्म में थे। पटना निगम क्षेत्र में कारोबारियों के ट्रेड लाइसेंस को लेकर अगले महीने लगाया जाएगा कैंप। पटना निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेने में सुविधा के लिए निगम अंचलों में अगले महीने के पहले सप्ताह में कैंप लगाए जाने की संभावना है। इसमें व्यवसाय करने वाले ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए आवेदन पत्र लेकर निर्धारित राशि जमा कर सकेंगे। निगम की तरफ से इसके लिए वार्डों में ई रिक्शा से व्यापक प्रचार प्रसार होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए निगम में कार्यरत स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि कारोबारियों को इसे लेकर जागरूक करेंगे ताकि अधिक से अधिक कारोबारी ट्रेड लाइसेंस ले सके। देश में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2020 में 1.5 अरब डॉलर पार करने की उम्मीद। देश में अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, रूस समेत अन्य देशों को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 2020 में 1.5 अरब डॉलर के पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। रिसर्च कंपनी टेक ऑर्क ने अपनी भारतीय मोबाइल फोन निर्यात बाजार स्कैन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल एक्सपोर्ट किए जाने वाले स्मार्टफोन का प्राइस 2020 में 1.5 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है। देश से एक्सपोर्ट होने वाले कुल मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 98% से अधिक है। टेक ऑर्क के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक फैजल
कबूसा ने कहा है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात और पड़ोसी सार्क देशों को कुछ समय से मोबाइल फोन का निर्यात कर रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,800 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजय कुमार, दिलीप कुमार, पासी, सोनम भारती, प्रमोद यादव, दरोगा कुमार, विवेक कुमार, बबलू यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, कुंदन कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रीति राज, हितेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना के इस माहौल में अभी भी आप मास्क पहन के निकलते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।